सब्सक्राइब कीजिए ऑल टॉक चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को दबा कर पाइए वीडियोस का नोटिफिकेशन। दोस्तों जब बात आती है कस्टमाइजेशन की, हम लोग अपने डिवाइस को किस तरह से कस्टमाइज करते हैं दोस्तों, तो उसमें वॉलपेपर और फोन की दोस्तों जो रोल होती है काफी यहाँ पे मजेदार होती है और काफी इंटरेस्टिंग होती है। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को जो कस्टमाइजेशन बताने वाला हूँ वो है MIUI फोन के बारे में, यानी MIUI 11 सपोर्टेड फोन के बारे में। तो इससे पहले दोस्तों मैंने आप लोगों को MIUI 11 फोन के बारे में वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप लोग मेरी वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा दोस्तों, आप लोग उन वीडियोज़ को ज़रूर चेकआउट कर लेना। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को डिफरेंट फ़ोन के बारे में बताने वाला हूँ, तो आप लोग इस वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ MIUI 11 फोन सपोर्टेड, जो हमारे डिवाइस के लिए अवेलेबल हो चुकी है और आप लोगों को आपके थीम स्टोर पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों मैंने आप लोगों को और भी कुछ सपोर्टेड MIUI 11 फोन के बारे में बताया था, अगर आप लोग मेरी वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग जाकर उस वीडियो को देख लेंगे दोस्तों। फाइनली आज की इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसे और फोन्स के बारे में बताने वाला हूं जो दोस्तों हमारे लुक के डिवाइस को, हमारे डिवाइस के लुक को बिल्कुल यहां पर इन्हेंस कर देती है। देख सकते हो दोस्तों मैं यहां पर फोन को अप्लाई कर चुका हूं, अप्लाई करने के बाद दोस्तों देख सकते हो कुछ इस तरह से आप लोगों को इसकी लुक देखने को मिलती है, जो हमारे डिवाइस के लुक को काफ़ी यहां पर इन्हेंस कर देती है। तो कैसे इसे डाउनलोड करना है, लिंक कहां आपको मिलेगा, सबको दोस्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहिएगा। और कुछ दोस्तों डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप जरूर कर दें। तो दोस्तों अगर सबसे पहले फोन की बात कर लेते हैं, तो जैसे आप लोग उसे अप्लाई करेंगे, अप्लाई करके आप अगर रिबूट करेंगे तो आपके फोन में वो थीम वो फोन अप्लाई हो जाएगी। तो अप्लाई करने के बाद दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर डायल पैड में लेकर दिखाता हूँ दोस्तों, देख सकते कुछ इस तरह से आप लोगों को डायल पैड देखने को मिलती है, बिल्कुल दोस्तों हमारे डिवाइस के लुक को यहाँ पर इन्हेंस कर देती है। सबको दोस्तों आप लोग यहाँ पर कस्टमाइज होता है, अगर मैं आप लोगों को मैसेज यहाँ ओपन करके दिखाता हूँ दोस्तों, तो मैसेज में देख सकते हैं मैसेज वाले फोन कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलती है, तो यहाँ भी आप लोगों को कस्टमाइजेशन देखने को मिलती है, यानी फोन चेंज होती है। और दोस्तों आप लोग जितनी भी एप्लीकेशन की आइकन वगैरह है, जितनी भी फोन दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल यहाँ पर चेंज होती है। और दोस्तों ये फोन हमारे डिवाइस की लुक को इन्हेंस करती है दोस्तों, फोन की कस्टमाइजेशन के बाद से हमारी डिवाइस की लुक और भी इन्हेंस हो जाती है। और अगर सेटिंग में दोस्तों मैं आप लोगों को लेकर दिखा देता हूँ, तो देख सकते सेटिंग में भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट टाइप के फोन देखने को मिलती है, जो हमारी डिवाइस की लुक को काफ़ी यहाँ पर इन्हेंस कर देती है। तो ये फोन दोस्तों पहले जाती है। दूसरी फोन की अगर बात कर लेते हैं, तो उससे पहले दोस्तों मैं सभी पेज की अगर लुक आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो इस थीम में दोस्तों अगर डायल पैड आप लोग ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से आप लोगों को इंटरफेस देखने को मिलेगी। मैसेज ओपन करेंगे दोस्तों कुछ इस तरह से आप लोगों को मैसेज देखने को मिलेगी। कीबोर्ड को अगर आप ओपन करेंगे दोस्तों तो कीबोर्ड कुछ इस तरह देखने को मिलेगी। और अगर होम स्क्रीन में जाएंगे तो कुछ इस तरह से आप लोगों को देखने को मिलेगी। और अगर मैं दूसरी थीम की यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो दूसरी फोन दोस्तों आप लोगों को कुछ इस तरह देखने को मिलती है। देख सकते हो दोस्तों मैंने यहाँ पर फोन को अप्लाई कर रखा, और अगर फोन को आप लॉक स्क्रीन पर रखेंगे तो कुछ इस तरह आप लोगों को नोटिफिकेशन वगैरह देखने को मिलेगी, तो कुछ इस तरह से आप लोग यहाँ फोन देखने को मिलेगी। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर अपने फोन को अनलॉक कर देता हूँ, तो अनलॉक करने के बाद दोस्तों देख सकते कुछ इस तरह से फोन देखने को मिलती है। अगर मैं आप लोगों को डायल पैड में यहाँ लेकर दिखाता हूँ दोस्तों, तो देख सकते कुछ इस तरह से आप लोगों को फोन देखने को मिलती है। अगर मैं आप लोगों को सेटिंग में लेकर यहाँ पर दिखाता हूँ, तो सेटिंग वाली पेज दोस्तों जैसे बिल्कुल यहाँ पर इन्हेंस हो जाती है, बिल्कुल यहाँ पर डिफरेंट लुक आपको देखने को मिलती है। तो फोन दोस्तों हमारे डिवाइस को लुक को इन्हेंस कर देती है। अगर आप लोग फोन वगैरह नहीं यूज़ करते दोस्तों, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, अगर तो लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग उसे अपने थीम स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर मैं आप लोगों को फोन यहाँ पे दिखा देता हूँ दोस्तों, देख सकते कुछ इस तरह से आप लोगों को फोन की स्टाइल पैटर्न देखने को मिल जाती है, फोन की मैसेजिंग की, कीबोर्ड की, और आपके होम स्क्रीन की। तो दोस्तों ये कौन सा फोन देखने को मिलता है दोस्तों, तो ये फोन का नाम है COTA 1। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में के लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप लोग अपने थीम स्टोर पर सर्च करें COTA 1, तो आप लोग ये वाली फोन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, उसके बाद अपने डिवाइस को यहाँ से रिबूट कर देना है। अप्लाई करेंगे दोस्तों तो आप लोग यहाँ पर रिबूट करने वाला है, तो आप लोग सिंपली रिबूट कर देना है। इसके अलावा दोस्तों मैंने और भी MIUI 11 सपोर्ट फोन के बारे में वीडियो बनाई है, तो आप लोग मेरी वो वीडियो नहीं देखें जरूर देख लेना दोस्तों। अगर दूसरी या पहली फोन की बात करें दोस्तों, तो आप लोग देखने को मिलती है बबलगम साइंस। तो ये वाली फोन दोस्तों मुझे एज ऑफ नाउ काफी अच्छा लग रहा है, काफी पसंद आया दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को पसंद आएगा। तो सिंपली आप लोगों को फोन को अपने फोन में डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद अप्लाई करने का दोस्तों आप लोग यहाँ पे एक बार रिबूट करना होगा, तभी आपके फोन में यह फोन अप्लाई होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं इस वाले फोन के लिए मैंने अप्लाई किया बबलगम साइंस को, तो अप्लाई करने के बाद आपके लोगों की स्क्रीन की नोटिफिकेशन कुछ इस तरह देखने को मिलती है दोस्तों। ये फोन मुझे काफी पसंद आया, आप लोगों को पसंद आएगा, आप लोग एक बार इसे अपने फोन में जरूर इंस्टॉल करना, और इंस्टॉल करके दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना कि आप लोगों को ये फोन कैसा लगा है। इस तरह की दोस्तों आप लोगों को और भी फोन देखने को मिलेगी, उसके लिए दोस्तों सिर्फ आप लोगों को नोटिफिकेशन बेल को दबाना है। तो नोटिफिकेशन बेल को दबा दिए, जैसे मैं कोई भी वीडियो को अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक सबसे पहले देखने को मिलेगी। देख सकते हो दोस्तों आप लोग कहीं भी इसे ओपन करेंगे, आप लोगों को डिफरेंट टाइप की फोन देखने को मिलती है,
जो हमारे डिवाइस को यहाँ पे इनहेंस कर देती है।